हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैच। दोस्तों, आईपीएल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आ रही है केकेआर के खेमे से। जी हाँ दोस्तों, ओयन मॉर्गन को केकेआर का नया कैप्टन बना दिया गया है। डीके को कैप्टनसी से हटा दिया गया है और ओयन मॉर्गन को नया कैप्टन बना दिया गया है। ये खबर केकेआर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनके जो सीईओ और एमडी बेंकी मैसूर हैं, उन्होंने ट्वीट की है। उन्होंने जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि डीके और ओयन मॉर्गन ने एक साथ बहुत ही अच्छा काम किया है इस आईपीएल में। ओयन मॉर्गन को हम यहाँ से कैप्टन बना रहे हैं और ये एक रोल स्वैप है बेसिकली। तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट केकेआर की तरफ से आया कि ओयन मॉर्गन को कैप्टन बनाया जा रहा है बाकी सीजन के लिए। और काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि डीके उतने इफेक्टिव कैप्टन नहीं है, ओयन मॉर्गन एक बहुत ही अच्छे कैप्टन है, उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है इंग्लैंड के लिए, तो उनको कैप्टन बनाया जाना चाहिए। फैंस और जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो काफी दिनों से इस बात का जिक्र कर रहे थे। फाइनली केकेआर ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। केकेआर ने अभी तक 7 मैचेस खेले हैं, उनके 7 मैचेस लीग स्टेजेस में बचे हुए हैं और उनकी जो रैंकिंग है पॉइंट्स टेबल में वो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नंबर 4 है। तो अभी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का और टॉप 2 में रहने का भी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है केकेआर मैनेजमेंट ने कि ओयन मॉर्गन को केकेआर का कैप्टन बनाया गया है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके मुंह से भी कभी कभार सुना है कि डीके उतने इफेक्टिव कैप्टन नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब की नहीं है कि जैसे कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए डीके ऊपर भी बैटिंग में काफ़ी आए हैं बैटिंग करने, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है अभी तक। तो इन चीज़ों को देखते हुए केकेआर ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन से और सारे एक्सपर्ट इसको एक अच्छा डिसीजन कह रहे हैं। तो ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ केकेआर से। तो क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकमैस को। थैंक यू, बाय बाय।